डैड की 18th एनिवर्सरी है, सो दे बिकम एडल्ट्स, एडल्ट ईयर ऑफ टुगेदरनेस. सो यस, 18 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं मॉम डैड को. एंड हर साल की तरह वी हैव अ फैमिली आउटिंग और डिनर और लंच. सो थैंक यू टेली रिपोर्टर, आज आप हमें यहाँ पर लाए हैं एट रेडिसन. And we are over here to celebrate Mom Dad's anniversary, come Republic Day. So we have tricolor dishes as well. And you have given us a very beautiful surprise of a cake. So thank you for that. I'm also twinning. See, even I'm twinning. So, no, planned. It was all planned. Mama's this work hai, this red color work and that's turban. So everything is very planned and organized and they're twinning. Okay, now we are adults, so we are free to do whatever we want. अभी हम adult हो गए तो अभी हम अश्रु को guide कर सकते हैं. Well, आज lunch के लिए तो आई ही हैं, but आज मैंने surprise breakfast भी कराया mom dad को. प्लस अभी तो नहीं शुरू हुआ यार, अभी तो बहुत चीजें करनी है. सो यार की वेटिंग नहीं, वो तो मैंने प्लान किया ही है, वो 25th पे करूंगी मैं. अभी तो 18 है तो थोड़ा टाइम है, थोड़ा और 7 इयर्स मोर एंड फिर सिल्वर जुबली होगी. सो उधर हम प्रॉपरली प्लान करेंगे. अरे मुझे भी तो मैनेज देखनी है ना मेरी मॉम डैड की, कैसे हुई क्या हुआ एंड ऑल दैट. 25th एनिवर्सरी को लेके एक्साइटमेंट, उसमें तो बहुत टाइम है अभी री मैरिज में. हाँ लेकिन हाँ उसको तो टाइम है, बट मैं हर एनिवर्सरी पर उसको री मैरिज ही कंसिडर कर लेती हूँ. सुबह उठती हूँ और बोलती हूँ कुछ चाय वाय नहीं बनाऊँगी, अभी अभी नई दुल्हन आई है उसकी सेवा करो. और पूरा टेंट्रम दिखाती हूँ कि नई दुल्हन हूँ. तो अभी आप इनसे पूछे इन पे क्या बीत रही है. आई एम जस्ट लाइक एनी अदर हस्बैंड, सो ऑल द हस्बैंड्स यू कैन रिलेट टू मी, आई कैन रिलेट टू यू. बट ये है कि टैंट्रम्स मैं सह लेता हूँ लाइक अ गुड हस्बैंड. एंड सो आई जस्ट डू व्हाट शी टेल्स मी टू डू. थैंक यू, थैंक यू. इट्स ओके, होता है, होता है, होता है. बट इट्स गुड टू हैव हर इन माय लाइफ, बोथ ऑफ देम इन माय लाइफ, बिकॉज धमकियां देती हर बात. यादें तो बस वही याद आता है जब हमारी शादी हुई थी, एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ. एंड देयर वाज अनदर हैप्पी डे इन माय लाइफ, दिस व्हिच आई वुड से द हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ इज 3rd May 2004, एंड दैट इज व्हेन अश्नूर वाज बॉर्न. एंड दैट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट वी हैव हैड फॉर ईच अदर. एंड बाकी सब तो चलता रहता है, बट शी इज द बेस्ट गिफ्ट दैट वी गॉट. अश्नू, हाँ एक्चुअली अश्नू प्लान करेगी, हम तो रिलैक्स करेंगे मेहंदी वेहंदी लगा के, और प्लानिंग इसकी होगी तो उसी से पूछते हैं. वेल आई गेस मॉम डैड ने तो प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशन से शादी की ही है, बट आई एम अ बिग टाइम डिज्नी फैन, सो आई वुड लव टू हैव अ सिंड्रेला प्रिंस चार्मिंग वेडिंग विद मॉम एज द सिंड्रेला एंड डैड एज द प्रिंस चार्मिंग. I would like to play one of the 7 dwarfs. I'll do that. Oh, that's from Snow White. No, I would play the, you know, the messenger sort of a character. It doesn't matter. Jalebi ready hai, tricolor ki, and Chef Ashnoor has made it from the beginning to the end, garnishing se banane tak sab kuch maine khud kiya hai. So I hope they like it. Let's go. तो आप कुछ जलेबी के ऊपर और टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी इसको इन्जॉय करना चाहूँगी. ओके ठीक है, मैं टिप्पणी कर देता हूँ. जलेबी बहुत अच्छी है, अश्नूर के हाथ की है, और एनिवर्सरी गिफ्ट भी यही है. तो थैंक यू टेली रिपोर्टर, थैंक यू अश्नूर, थैंक यू माय वाइफ, माय डियर वाइफ. कहना पड़ता है यार.